सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज सुबह से हम लोग फुट पेट्रोलिंग पर है और जगह जगह पे हमारा एहतियातन फोर्स लगाया गया है। स्थिति अभी सामान्य हो रहा है, आपने देखा होगा दुकानें लगभग खुल गए हैं और जनजीवन भी गाड़ी वगैरह आवागमन सामान्य लग रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कोई चीज़ सिमरिंग ना हो और लोगों के साथ संवाद बनाकर सभी प्रकार लोगों के सभी वर्गों के साथ संवाद बनाकर और वहाँ पे जैसे समस्या को पूरा के पूरा। अभी तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उसे उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की। ये ढंग से सारा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन जब झांकियाँ यहाँ पे पहुँची तो कुछ उपद्रवी तत्व यहाँ पे आते ऐसे उपद्रवी तत्वों का अन्य लोगों की भी विरुद्ध कार्रवाई जो है सीख की जाएगी। कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं, कुछ और कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जैसे एडिशनल SP को, कुछ SOs को कुछ चोटें आई हैं, उनका मेडिकल वगैरह करा दिया गया है और फिलहाल स्थिति सामान्य है। पर्याप्त पुलिस फोर्स इस समय है, पूरे शहर को हम लोगों ने कई दो जोन में बांट रखा है, 8 हमारे सेक्टर्स हो गए हैं, सभी सेक्टर्स में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, वो लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और पेट्रोलिंग पूरे अपडेट है। स्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं सामान्य है और लोग कस्बे में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और जैसे जैसे आप देखेंगे समय बीतता जाएगा जो आम दिनचर्या है प्रारंभ होती जाएगी, फोर्स हम लोग धीरे धीरे विड्रा कर लेंगे। फिलहाल अभी एहतियातन फोर्स लगाई गई है, पेट्रोलिंग चल रही है और हम लोग जायजा दे रहे हैं। घटनाक्रम क्या था, कैसे हुआ? घटनाक्रम जैसा कि आप लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, क्रोनलाइज आपने किया हुआ है, घटनाक्रम वही था जिस तरह से हुआ और सबको बताया गया कि कल प्रोसेशन जब निकला तो उसमें कुछ लोग उपद्रवी तत्व शामिल हो गए, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया जिसके कारण से बचाव में पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, तितर बितर किया जिससे कि कोई और बड़ी घटना न होने पाए। उन उपद्रवियों को चिन्हित किया गया, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, उसमें से 14 गिरफ्तार हो गए हैं और जो शेष बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग रणनीति बना लिए हैं। चूँकि चिन्हित हो गए हैं इसलिए शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे। जो संख्या है आपको मैंने बता दिया अभी कि 14 गिरफ्तार हो चुके हैं और जितने अन्य अज्ञात हैं वो सबका वीडियो है, फुटेज है, उसके आधार पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 200 के आसपास की संख्या।
सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।